हेलो एंड वेलकम बैक टू कार डिलाइट। सो ये है Hyundai एलीट i20 का क्रॉसओवर वर्जन, Hyundai i20 एक्टिव। तो चलिए करते हैं दोस्तों i20 एक्टिव के बेस मॉडल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। सब्सक्राइब कीजिए टीम कार डिलाइट चैनल को एंड ये बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट कार रिव्यूज एंड कंपैरिजंस आप सबसे पहले देख सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ऑल्सो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो i20 एक्टिव अवेलेबल है बेस, एस, SX एंड SX डुअल टोन मॉडल में। अभी आप देख रहे हैं बेस मॉडल की फ्रंट लुक एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स विद हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन यानी फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल। एंड इस मॉडल में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते एंड ये है फ्रंट ग्रिल की लुक एंड यहाँ पे क्रोम बॉर्डर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे रहे हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको लार्ज साइज बिग स्कफ प्लेट्स मिल जाती है जो कि गाड़ी को काफ़ी वाइड एंड मस्कुलर स्टांस देती है। Hyundai अपनी i20 एक्टिव पे ऑफर करता है 3 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, प्लस हमें 3 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है, रियर में दी गई है ड्रम ब्रेक्स एंड यहाँ पे दिए गए हैं 195x55 R16 16 इंचेस के। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, 190mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है, प्लस हमें साइड बॉडी ग्लाइडिंग, व्हील आर्चेस के ऊपर बॉडी ग्लाइडिंग यानी फुल बॉडी ग्लाइडिंग यहाँ पे मिल जाती है एंड यहाँ पे वेस्ट लाइन मोल्डिंग भी अवेलेबल है एंड बॉडी कलर विंग मिरर्स अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पे आपको रूफ में मिल जाती है बिग साइज रूफ रेल्स, प्लस आप देख सकते हैं क्वालिटी स्टील यूज़ करा गया है यहाँ पे, तो हैवी ड्यूटी आपको रूफ रेल्स मिल जाती है। जो ये लार्ज साइज दी गई है वो गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर लुक देती है। सी पिलर दिया गया हाई ग्लॉस ब्लैक पियानो फिनिश के साथ एंड रूफ पे आपको मिलता है माइक्रो एंटीना, प्लस रियर में स्पॉइलर भी अवेलेबल है जो कि इस क्रॉसओवर को बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। एंड सस्पेंशन सेटअप फ्रंट में मैक प्योरसन स्ट्रट एंड रियर में आपको मिलता है कपल टॉर्जन बीम एक्सल एंड ये LED क्लस्टर के साथ टेल लाइट्स जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है, प्लस यहाँ पे रियर गार्निश मिल जाती है एक्टिव की बैजिंग के साथ। ऑल्सो फ्रंट एंड रियर में सिल्वर कलर की लार्ज साइज स्कफ प्लेट्स अवेलेबल है, राउंड शेप में बिग रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, प्लस डुअल टोन बम्पर अवेलेबल है। ऑल्सो i20 एक्टिव का जो आप रियर डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन बनाया गया है एंड हर एंगल से ये आई कैचिंग एंड स्पोर्टी लुक देती है। साथ में अगर बात करी जाए गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है, 40 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये आती है अंडर 4 मीटर गाड़ी और आती है क्रॉस ओवर के सेगमेंट में, कॉम्पीट करती है मार्केट में फॉर्ड फ्री स्टाइल, टोयोटा एटियोस क्रॉस एंड VW पोलो क्रॉस के साथ। एंड अब चेक करते हैं गाड़ी का लगेज एरिया यानी बूट स्पेस। तो यहाँ पे बटन दिया गया की पे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऐसे अनलॉक हो जाएगा। साथ में यहाँ पे नीचे अंदर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग एंड अंदर यहाँ पे टेल गेट पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, इमरजेंसी एग्जिट भी मिलेगी, बट यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड शॉपिंग हुक दिए गए हैं एंड राइट साइड भी आपको शॉपिंग हुक मिल जाएंगे। इसको पुल करते हैं तो यहाँ पे दिया गया स्पेयर व्हील एंड टूल किट एंड टोटल बूट स्पेस है 285 लीटर, सेम एज एलीट i20। एंड i20 एक्टिव में जो हमें कर्व वेट मिलता है दैट इज़ 1093 से लेके 1213 kg। ऑल्सो अगर बात करें कलर ऑप्शंस की तो मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है बोथ इंटीरियर्स के लिए एंड एक्सटीरियर्स के लिए। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो है स्लीक सिल्वर, फेरी रेड, अर्थ ब्राउन एंड पोलर वाइट कलर। ऑल्सो 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है बट वो आपको मिलेंगे SX डुअल टोन में। एंड यहाँ पे दी गई है बहुत ही स्पोर्टी गन मेटल फिनिश में फ्यूल रेड कैप। सो अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो सिंस ये i20 एक्टिव का बेस मॉडल है तो जो इसमें सेफ्टी फीचर्स होंगे वो रहेंगे इस गाड़ी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डुअल फ्रंट एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्मार्ट पेडल, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, रिमोट कीलेस एंट्री, सीट बेल्ट में प्रिटेंशंस मिलते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, ऑल्सो डुअल हॉर्न भी अवेलेबल है। सो ये सारे सेफ्टी फीचर्स हमें मिल जाते हैं i20 एक्टिव के बेस वेरिएंट में। एंड i20 एक्टिव में एलीट i20 की तरह ही सिमिलर इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे अवेलेबल है 2 इंजन ऑप्शन, फर्स्ट इज 1.2 लीटर कापा डुअल VT फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, पावर 82 BHP, टॉर्क मिलता है 115 Nm का। ये अवेलेबल है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स में जिसकी माइलेज है 17.19 km/l। दूसरा इंजन यहाँ पे आता है 1.4 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन, पावर है 89 BHP, टॉर्क मिलता है 220 Nm का।
ये अवेलेबल है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसकी माइलेज है 21.19 km/h. तो ये तो बात थी इंजन एंड माइलेज की. i20 एक्टिव का एक्सटीरियर डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी लुक देता है. एंड अब चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर्स में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, फिर बात करेंगे गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की. सो ये लॉक डे फर्स्टली अनलॉक कर लेते हैं. एंड कुछ ऐसी कीज़ मिलती हैं, एक मिलेगी हमें जैक नाइफ फोल्ड की 3 buttons के साथ एंड क्रोम एलिमेंट्स के साथ, एंड एक आपको मिलेगी नॉर्मल स्टैंडर्ड की. तो अब स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को. एंड ये है डैशबोर्ड की लुक, ऑल ब्लैक थीम हमें कैबिन मिलता है यहाँ पे i20 एक्टिव में. एंड ये है ड्राइवर साइड डोर की लुक, लार्ज साइज बिग विंडोज़ दी गई है. एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, मैप पॉकेट्स अवेलेबल हैं, ऑल फोर डोर्स में स्पीकर्स भी मिल जाते हैं. एंड फ्रंट टू ट्विटर्स अवेलेबल है. इनसाइड डोर हैंडल आपको मिलेगा मेटल फिनिश में. एंड ये है ऑल फोर पावर विंडोज़, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ. एंड ये ड्राइवर आर्मरेस्ट, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVM नहीं मिलते हमें, मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा. इंटरनली मैनुअली एडजस्टेबल विंग मिरर्स अवेलेबल है. एंड हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, रेड इंसर्ट्स, ब्लू इंसर्ट्स एंड ब्राउन इंसर्ट्स के साथ. अभी आप देख रहे हैं रेड इंसर्ट्स AC वेंट्स पे, यहाँ पे अपॉल्स्ट्री पे एंड गियर लिवर के बॉर्डर्स पे. तो यहाँ पे पूरा रेड थीम दिया गया. अगर आप ब्लू या फिर ब्राउन लेते हैं तो वहाँ पे जो रेड है उसकी जगह आपको ब्लू या फिर ब्राउन थीम मिलेगा, जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है. एंड हमें यहाँ पे अपॉल्स्ट्री पे भी रेड स्टिचिंग मिलती है, तो बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग दी गई है. प्लस ड्राइवर साइड सीट की हम हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे फिक्स सीट दी गई है. ऑल्सो ये है फ्यूल लिड ओपनर, एंड ये है सुपर स्पोर्टी एल्युमिनियम पेडल्स. एंड यहाँ से हेडलैम्प बीम एडजस्ट कर सकते हैं हम. सो बेसिकली आप एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस के हिसाब से इंटीरियर जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कैबिन ही मिलेगा. एंड ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, अंदर मैसिव अमाउंट में स्टोरेज एरिया मिल जाता है. आर्मरेस्ट के ठीक आगे दिए गए हैं 2 different साइज के कप होल्डर्स. एंड ये है स्विच कैन, एंड गियर नॉब मिलेगी हमें ब्लैक फिनिश के साथ. एंड इसके ठीक आगे मिलता है कुछ स्टोरेज एरिया, वहाँ पे दिया गया एक 12 volt का पावर आउटलेट, प्लस ऑक्स एंड USB पोर्ट मिलते हैं. दोनों ही एल्यूमिनेटेड पोर्ट दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए. एंड यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है कार्ड होल्डर के पास, प्लस मैनुअल AC मिलता है हमें हीटर के साथ. एंड जो इसके इवन डायल्स दिए गए हैं वहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. एंड ये है दोस्तों Hyundai i20 एक्टिव के बेस वेरिएंट का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. 5 inches का यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है हमें, प्लस ये सुपर रिस्पॉन्सिव है. डायरेक्ट सनलाइट में इस टाइम गाड़ी खड़ी है, एंड ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है. क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है. ऑल्सो ये सपोर्ट करते हैं USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, रेडियो एंड Hyundai iBlue ऐप को. यानी Hyundai iBlue ऐप आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उस ऐप के थ्रू इस पूरे सिस्टम को आप कंट्रोल कर पाएंगे. साथ में हमें 4 speakers मिलते हैं, 2 front tweeters अवेलेबल है. एंड ऐसे ही कुछ सिमिलर डिज़ाइन का सिस्टम आपको Elite i20 के मैग्नेट स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलता है, बट वहाँ पे स्मॉल स्क्रीन मिलेगी एंड टच स्क्रीन नहीं मिलेगी. अगर ये सिस्टम वहाँ पे दे दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहती. एंड यहाँ पे AC वेंट्स के ठीक सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पावर डोर लॉक का बटन. एंड यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं. एंड ओवरऑल कैबिन में कई जगह हमें ये ऐसे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत प्रीमियम एंड अप मार्केट लुक देते हैं. यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी दिए गए हैं, प्लस AC वेंट्स के बॉर्डर पे भी यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं. एंड ये है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, नॉन एडजस्टेबल मिलता है. एंड यहाँ पे दिए गए ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स, फोन को एक्सेप्ट करने के लिए एंड रिजेक्ट करने के लिए. एंड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड भी दिए गए कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स. एंड उसके ठीक पास दिए गए ट्रिप एंड रीसेट, दैट इज़ फॉर MID स्क्रीन. सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइट एल्यूमिनेशन के साथ, 220 की मैक्सिमम स्पीड शो कर रहा है ये. प्लस सेंटर में MID स्क्रीन दी गई है, जो कि शो करती है डिजिटल फ्यूल मीटर, डिजिटल इंजन टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड, डुअल ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले एंड टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन. बट MID यहाँ पे आपको माइलेज एंड डिस्टेंस टू MT शो नहीं करता. एंड i20 एक्टिव के बेस वेरिएंट से ही हमें मिल जाता है कूल ग्लव बॉक्स. तो यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं. एंड ये है लेफ्ट ORVM के कंट्रोल्स. एंड यहाँ पे अवेलेबल है सनग्लास होल्डर, 2 front में कैबिन लैम्प्स हमें मिल जाते हैं थिएटर डिमिंग फंक्शन के साथ. एंड जो सनग्लास होल्डर दिया गया है दैट इज़ इन ब्लैक कलर. एंड ये सनशेड है वैनिटी मिरर के साथ, ये भी ब्लैक कलर में दिया है. रूफ भी आपको ब्लैक कलर में मिलती है. एंड ड्राइवर साइड सनशेड भी आपको ब्लैक में मिलेगा. टिकट होल्डर उधर अवेलेबल है. सो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ध्यान दिया गया है डिटेलिंग की तरफ. सो अब बात कर लेते हैं प्राइस की. तो i20 एक्टिव का जो बेस मॉडल है वो आता है सिर्फ पेट्रोल में, जिसका प्राइस है 8,20,000 ऑन रोड डेली. एंड अगर आप परचेज करते हैं डीजल तो उसमें आपके पास अवेलेबल रहेगा सेकेंड मॉडल, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, एंड उसका प्राइस है 10,50,000 ऑन रोड डेली.
एंड अगर आपको Hyundai कार परचेज करने वाले हैं तो मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं ताकि आप बेस्ट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स अवेल कर सके अपनी परचेज पे। और ये है रियर डोर की लुक और यहाँ पे आपको मिलते हैं बॉटल होल्डर्स, मैप पॉकेट्स एंड स्पीकर्स भी ऑफर करे जा रहे हैं रियर में, बट आपको रियर में ट्विटर नहीं मिलते। एंड ये है रियर सीट्स की लुक, फ्लैट फोल्डिंग सीट्स दी गई हैं 60-40, इस मॉडल में आपको फंक्शन नहीं मिलता। ऑल्सो जो हेडरेस्ट है वो भी इंटीग्रेटेड ही मिलेंगी। एंड ये है रियर एसी वेंट्स जो कि कैबिन की कूलिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी क्विकली कैबिन कूल हो जाता है। यहाँ पे कोट हुक्स दिए गए हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ग्रैब हैंडल्स पे। एंड यहाँ पे सेंटर में आपको मिलता है कैबिन लैम्प। एंड ये है फ्रंट डैशबोर्ड के लुक, ऑल ब्लैक डैशबोर्ड रेड इंसर्ट्स के साथ। तो दोस्तों ये था Hyundai एक्टिव i20 क्रॉसओवर के बेस मॉडल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। थैंक यू।